हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और पजल लेके आए हैं, और ये जो 100 प्री पजल का जो सीरीज़ है उसका ये अगला वीडियो है, चौथा या पांचवा पांचवा वीडियो है ये। ठीक है, और ये बहुत ही इजी लेवल का पजल है, और हम लोग समझ सकते हैं कि ये RRB का लेवल का ही है। और प्री जिनका भी प्री नहीं निकलता है, और जो अभी स्टार्ट किए हैं बैंक की तैयारी करना, और जिनका पजल सॉल्व नहीं होता है, तो इन वीडियो में मैंने धीरे धीरे हर एक वीडियो में मैंने सिखाया है, और मैं बता रहा हूँ कि इसे कैसे सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करता हूँ उसी टेक्निक को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और RRB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें ज़्यादातर ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो पजल का ही देखने को मिलता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको पजल से मिलेंगे, जिसको हम लोग आराम से 2 से 3 मिनट में सब खत्म कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत कम टाइम मिलता है प्री में, तो जितना स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अपना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आप पजल को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो पजल है, पजल 5 है। ठीक है, और ये देखिए पजल ये है, देर आर सिक्स बॉक्सेस अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नंबर फ्रॉम 1 to 6 इज हैविंग अ डिफरेंट कलर, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इट इज़ फर्दर नोन दैट। देखिए, इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, हम लोग यहाँ तक एक ही बार में पढ़ लेंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 6 बॉक्सेस है, उसको स्टैक में रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टैक का मतलब होता है जैसे एक के ऊपर एक इस तरह से, और सब नंबरिंग क्या हुआ, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से नंबरिंग किया हुआ। तो स्टैक का मतलब ये होता है, और सबका अपना अपना कलर है। ठीक है, सभी स्टैक जो सभी बॉक्स जो है, सब सबका जो कलर है, या उसके अंदर कोई कलर है, या जो कलर है उसका, वो अलग अलग कलर है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बना लेते हैं, जहाँ हम लोग कलर को अरेंज करेंगे। ठीक है, बॉक्सेस को अरेंज करेंगे, तो 6 है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरह से हम लोग स्पेस बना लेते हैं, जगह जहाँ हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक बना लिया। अब हम लोग जो मेन इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं। जैसे ब्लू बॉक्स इज एट द इवन पोजिशन बट नॉट एट द टॉप। देखिए, ब्लू कहाँ है, टॉप पे नहीं हो सकता है, और इवन पे, तो इवन पोजीशन लोग सर्च करते हैं। देखिए, इवन पोजीशन 2 है, 4 है और 6 है, और यहाँ ब्लू नहीं हो सकता, तो ब्लू को हम लोग यहाँ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ब्लू को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, तो ब्लू को हम लोग यहाँ क्रॉस कर दिए, तो ब्लू सिर्फ 4 और 6 में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ब्लू को ऐसे लिख देते हैं कि या तो 4 में होगा या तो 2 पे होगा। अच्छा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे होगा। ठीक है, 2 या 4 पे होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, रेड बॉक्स इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रीन और येलो बॉक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रेड जो है, रेड के बगल में येलो नहीं है, बगल का मतलब यहाँ ऊपर से है। ठीक है, या ऊपर नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता, और एक दिया हुआ है कि रेड के ऊपर या नीचे पे क्या नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसको हम लोग एक ही बार में अच्छे से समझ के नोट डाउन कर सके। ठीक है, तो ये दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी इसको अरेंज तो कर नहीं सकते, ऑरेंज बॉक्स इज़ एट द 5th पोजिशन। तो देखिए, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऑरेंज 5th पोजिशन पर है, तो हम लोग लिख देंगे 5th पोजिशन पर क्या है, ऑरेंज है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि ऑरेंज 5th पोजिशन पर। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन पिंक बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, पिंक और ग्रीन बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, पिंक और ग्रीन। ठीक है, तो देखिए, पिंक पिंक 2 छोड़कर ग्रीन, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख के सर्कल कर लेते हैं, ताकि ये भी एक कंडीशन है, पता रहे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे वेयर, अच्छा, वेयर पिंक बॉक्स इज अबव ग्रीन वन। अच्छा, मतलब पिंक बॉक्स जो है वो ऊपर आएगा और ग्रीन नीचे आएगा, तो इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा करके फिर से लिख देते हैं कि पिंक जो है वो क्या है, ऊपर है
ग्रीन नीचे है, ठीक है, पिंक जो है वो ऊपर है और ग्रीन नीचे है। देखिए ऊपर के लिए मैं साइन ऐसे देता हूँ, ठीक है, ऊपर, ताकि पता रहे कि ग्रीन के ऊपर एक दो छोड़कर पिंक है, ठीक है, एक छोड़कर दो छोड़कर पिंक है, तो इस तरह से मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब अगला जो हम लोग देखते हैं, ग्रीन बॉक्स इज़ नॉट एट द बॉटम पोजिशन, बॉटम मोस्ट पोजिशन, यानी ग्रीन जो है वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो ग्रीन कहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए ग्रीन को हम लोग यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए जो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है ना उसी को पहले बनाएंगे, तो इसे इसी को पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन नीचे है, पिंक ऊपर है, तो ग्रीन तो फर्स्ट पे होने नहीं होगा ही नहीं, सेकेंड पे अगर हम ग्रीन रखेंगे तो एक दो छोड़कर पिंक यहाँ आएगा नहीं, तो इसलिए ग्रीन दो पे भी नहीं होगा, तो ग्रीन को थर्ड पे रखेंगे, थर्ड पे रखेंगे तो एक दो तीन, यस, यहाँ हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। और फोर पे भी चेक कर लेते हैं, फोर पे अगर रखेंगे तो एक दो पिंक, फिर छः के बाद कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कहाँ आ जाएगा, सिक्स थ्री पे आ जाएगा, और एक दो छोड़कर यहाँ होगा मेरा पिंक, ये मेरा पिंक आ गया, ठीक है, तो पिंक भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब जो अगला कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं कि ये तो ना हो गया, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब रेड के बगल में येलो और रेड के बगल में ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन तो हम लोग पुट कर चुके हैं, यानी कि रेड यहाँ नहीं होगा, रेड यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ग्रीन के बगल में क्या नहीं है, रेड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे रेड नहीं रख सकते, यानी रेड जो है वो नीचे आएगा, जो लास्ट कंडीशन है वही, ठीक है। एक और कंडीशन दिया हुआ था कि रेड के बगल में येल्लो नहीं होगा, देखिए रेड के बगल में येल्लो नहीं होगा, ठीक है, तो रेड के बगल में येल्लो नहीं होगा, यानी ऊपर नीचे येल्लो नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ येल्लो नहीं हो सकता है, तो येल्लो कहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा, ये भी समझ में आ गया। ऊपर येल्लो हो जाएगा तो फिर जो बचा कुचा है, देखिए ब्लू के लिए अभी तक मैंने नहीं बैठाया, तो ब्लू को हम लोग या तो फोर पे रख सकते हैं, या तो फोर पे रख सकते हैं, या तो टू पे, फोर पे तो जगह नहीं रहा, तो ब्लू जो अंत में जगह बचा हुआ है वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले में सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी पजल था, और इसको हम लोग आराम से 30 से 40 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं इसे सॉल्व। और इस तरह से पजल को सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि एक स्पीड आ जाए, ताकि हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल सेम यही रहता है, ठीक है, इस वजह से कट ऑफ भी हाई जाता है, आपको पता होगा कट ऑफ हाई होता है, ठीक है। अगर आप लोग कट ऑफ नहीं जानते हैं तो आप लोग पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि प्री का कट ऑफ 70 के आसपास जाता है, और जो पीओ है, आरआरबी पीओ का जो है, उसका कट ऑफ 60 के आसपास जाता है, ठीक है, तो हर स्टेट वाइज। तो इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए पजल को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।